सिद्धार्थनगर जिले के कोटेदारों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और अपना ज्ञापन एसडीएम न्यायिक को सौंपा। उनकी मांगे ना मांगे जाने पर कोटेदारों ने आने वाले दिनों में जिलाधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करने की बात कही। शनिवार को सुबह जिले भर से कोटेदार अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कोटेदारों ने अपने ज्ञापन में हर बोरी में से 7 किलो राशन कम मिलने, 2001 से 2015 तक बकाया भाड़ा ना मिलने, पूरे जनपद की ई पास मशीनों के खराब होने जैसी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। कोटेदारों का आरोप है कि विगत कई महीनों से लगातार वे संबंधित उच्च अधिकारियों से अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। कोटेदारों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे अति शीघ्र नहीं मानी गई तो वे किसी भी हद तक जाने के बाध्य होंगे। और इस समय अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के जनपद के सभी कोटेदार जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने, जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम सब धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारी 7 सूत्रीय जो मांग है, इसमें हमको राशन तौल के नहीं मिल रहा है, 7 से 8 किलो राशन कम मिल रहा है अभी भी, और 7 महीने से कोटेदारों को एक भी रुपया नहीं दिया गया है, और कोटेदारों का नवम्बर माह में पैसा जमा करा करके विभाग द्वारा वापस नहीं कराया गया है, और 2001 से लेकर के 2015 तक का बकाया भाड़ा भी नहीं दिया गया है। सारी ई पॉस मशीनें पूरे जनपद में खराब हैं, कोई ई पॉस मशीन काम नहीं कर रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस विषय को लेकर के 7 महीने से विभाग को हम सब जा जा करके 15-20 दिन पे ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब को भी, माननीय जिला पूर्ति अधिकारी को भी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी को भी, एसडीएम साहब को भी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 कार्रवाई हो रही है। भुगतान के लिए शासन ने आदेश, सख्त आदेश किया है कि कोटेदारों का लाभांश भुगतान किया जाए, अन्य जनपदों में भुगतान हुआ है, लेकिन जो मेरे जनपद को कहा जाता है पिछड़ा जिला है, पिछड़ा जिला किनके कारण है ये आपको पता चल सकेगा। जब शासन कह रहा है कि आप पैसा दो कोटेदारों को, 7 महीने से क्यों रोक के बैठे हो, अब कौन रोक रहा है इसको आप पता कर लीजिए, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी मतलब जो उनका, वो तो अपना अपने स्तर से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी पत्र बना के भेजा है, लेकिन उनसे जो ऊपर अधिकारी है उनकी लापरवाही है, साफ दिख रही है। अधिकारियों का जो वेतन होता है उसके लिए वो अपना सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं, प्रत्येक महीने ट्रेजरी में चाहे जमा करना हो, वेतन का जो भी फार्म होता है उसको प्रत्येक महीने पूरा करेंगे, उसको महीने वाइज महीने भेजेंगे, महीने महीने वाइज अधिकारियों के सैलरी का भुगतान होता है, कोटेदारों का भुगतान क्यों नहीं होता है। खाद अब हमें मजबूरी पड़ जाती है, लास्ट में घट जाता है, हम मजबूरन जो है अपने घर से पैसा देना पड़ता है, किसी किसी लाभार्थी को हाथ गोड़ जोड़ना पड़ता है, रोना पड़ता है किसी के यहाँ, कभी कभी मेरे ऊपर शिकायत हो जाती है, जांच हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं कोटेदार। आगे की रणनीति हमारी साफ है कि हम जिला अधिकारी महोदय का जो कार्यालय है, जो दरवाजा बना हुआ है, उसको 1335 कोटेदार उस दरवाजे को बंद कर देंगे ई पॉस मशीन रख करके। हमारी समस्या है, हमें 7 महीने से पैसा नहीं मिला है, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं, क्या हमको पैसा नहीं चाहिए? खाद रसद विभाग में निचले पैमाने पे कोटेदार काम कर रहा है, कोटेदार को क्यों नहीं मिल रहा है? अधिकारियों को प्रत्येक महीने भुगतान कैसे हो जा रहा है? बड़ा सवाल है ये। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।